हेलो स्टूडेंट्स, संकल्पित रहें आप, समर्पित रहेगी सीएलसी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा आपको जितने भी नीट प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो नीट में आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपके पास हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में सेल बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस थे अपन ने डिस्कस किए थे, ओके, आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो आप देखें क्योंकि उसमें सेल के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ऑलमोस्ट अपन ने डिस्कस कर लिए थे। अब आज का जो सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन, उसमें मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इनके नीट एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जितने भी क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी बेसिस पे आए हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट पे जाना है, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी फर्दर क्वेश्चन आता है तो अपन ईजिली उसको कर सकें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, क्योंकि और वो भी कौन सा एग्जाम, नीट का, जो आपका टारगेट है। तो जितने भी नीट के क्वेश्चन हैं उनके अप्रोच पे जाएं, देखें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फर्दर जो है फ्यूचर में भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट जो है जनरली वो पूछता रहता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोटेक और मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन। तो सबसे पहले बायोटेक के जो क्वेश्चन हैं, अब देखो बेटा, इसमें नीट 2013 से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, ओके, क्योंकि नीट तभी से स्टार्ट हुई थी। तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने सोल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा आपके सामने है, वो द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखें बेटा इसको। इसने पूछा क्या है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की सहायता से जो सबसे पहला जो ह्यूमन हार्मोन बना था वो कौन सा है, वेरी सिंपल, वो कौन था बेटा, इंसुलिन। आप बेटा सब जानते हैं इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल भी बेटा याद रखना, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की बात करते हैं, इंसुलिन उसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा। ऑब्वियसली इंसुलिन इज ए हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, और बहुत यूजफुल है बेटा, इसके कॉन्सेप्ट सुन लो। इंसुलिन से रिलेटेड और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इंसुलिन की स्ट्रक्चर पे जा रहा हूँ मैं, यही समझ लो इंसुलिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बार बार जो पूछ रहा है या आ सकते हैं। इंसुलिन में बेटा दो चेन होती हैं, ए चेन बी चेन, टोटल जो इसके अंदर 51 अमीनो एसिड होते हैं। बोथ चेन्स आर ज्वाइंट थ्रू द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ ए चेन एंड बी चेन आर ज्वाइंट थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ओके, एंड दैट इज द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाई द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। और ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1983 में, किसने किया था बेटा, ईली लिली कंपनी, एन अमेरिकन कंपनी, इट वॉज ईली लिली कंपनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज, वेरी सिंपल, इसने बात की है किसकी बेटा, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, दैट इज सदर्न ब्लोटिंग, या आपने पढ़ा होगा बेटा सदर्न ब्लोटिंग, ए टेक्निक है बेटा ये सदर्न ब्लोटिंग, दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई द डीएनए, दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई द डीएनए मॉलिक्यूल। तो आपको डीएनए मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना है, तो बेटा कौन सी टेक्निक को यूज करेंगे अपन, सदर्न ब्लोटिंग को। इसके अलावा बेटा आपने एस्टर्न ब्लोटिंग नाम सुना होगा, एस्टर्न ब्लोटिंग, एस्टर्न ब्लोटिंग किसके लिए यूज करते हैं अपन, वेरी गुड, किसके लिए, प्रोटीन के लिए। और जो नदर्न ब्लोटिंग है बेटा, नदर्न ब्लोटिंग यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरएनए, ओके। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं, सदर्न ब्लोटिंग में बेटा क्या करते हैं, इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, सुन लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है सदर्न ब्लोटिंग। इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके, जिसमें अपन डीएनए जो फ्रेगमेंट्स है उनको अपन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज आ गई इसमें। उसके बाद में क्या करते हैं बेटा, उसके बाद में एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लेते हैं जिनके ऊपर ये ब्लोट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कौन सी मेम्ब्रेन यूज होती है, याद रखना, नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन और नाइलॉन मेम्ब्रेन, इट इज यूज ड्यूरिंग द सदर्न ब्लोटिंग। तो ये इसमें क्या हो जाएंगे बेटा, ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद में क्या करते हैं बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग। देखो ये जो प्रोसेस है ना ब्लोट, ये ब्लोटिंग मीन्स ट्रांसफर, ओके। इसके बाद में अपन इस पर डीएनए प्रोब यूज करते हैं, यूज ऑफ डीएनए प्रोब्स, दोज आर रेडियो लेबल्ड, एंड फाइनली ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी यूज करते हैं ताकि आपका डिटेक्शन हो जाए, जो रेडियो लेबल्ड प्रोब है वो अपन क्या कर पाए, डिटेक्ट कर पाए। तो आप देखो क्वेश्चन में कौन सा यूज नहीं करते, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होती है, ब्लोटिंग उसका भी यूज करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी यूज आ रही है, लेकिन पीसीआर का सदर्न ब्लोटिंग में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पीसीआर, आंसर विल बी पीसीआर। पीसीआर का तो काम क्या है, डीएनए को एम्पलीफाई करवाना, ठीक है, लेकिन तो सदर्न ब्लोटिंग जो प्रोसीजर है
ये देखो टेक्निक है, उसमें बीच में अपन पीसीआर को यूज नहीं करते, आंसर विल बी पीसीआर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विट्रो क्लोनिंग प्रोपागेशन आउट ऑफ एनसीईआरटी, इन विट्रो क्लोनल प्रोपागेशन इन प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बेटा आपने इन विट्रो कंडीशन में अगर प्रोपागेशन किया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट का प्रोडक्शन किया है, आपको उनको कैरेक्टराइज करना है, तो उसमें क्या करते हैं, सुन लेना ध्यान से, उसमें क्या करते हैं, जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोजोम्स हैं, जो जीनोम है, उसको अपन क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, आरी वगैरह की हेल्प से, फिर उनको अपन डाइजेस्ट करते हैं, एंड फर्दर क्या करेंगे अपन उसमें, पीसीआर की हेल्प से उनका नंबर इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। फिर अपने को बात करनी है उनमें जो सिमिलरिटीज हैं, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट आपने प्रोड्यूस करें उसमें सिमिलरिटीज कितनी है, डिसिमिलरिटीज कितनी है, प्रोजेनी जो पेरेंटल प्लांट है उसके साथ कितनी सिमिलरिटीज ज़्यादा है, कितनी कम है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन यूज़ करते हैं आपका मोलिकुलर मार्कर, जो कौन सा है बेटा, आर ए पी डी, याद रखना बेटा ये इंपॉर्टेंट, आर ए पी डी, आर ए पी डी स्टैंड फॉर रेंडम एम्पलीफाइड पोलीमोर्फिक डीएनए, दैट इज रेंडम एम्पलीफाइड पोलीमोर्फिक डीएनए, दैट इज द मोलिकुलर मार्कर दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ओके इसके अलावा और होते हैं बेटा आर एफ एल पी, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पोलीमोर्फिक, दीज आर द मोलिकुलर मार्कर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीसीआर एंड आर ए पी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्टर कैन क्लोन ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डी एन ए, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये किसकी बात कर रहा है, वैक्टर की बात कर रहा है बेटा, आप सभी जानते हो बेटा वैक्टर कौन होते हैं, क्लोनिंग वैक्टर्स आर यूज फॉर द क्लोनिंग क्लोनिंग ऑफ फॉरेन डी एन ए, दैट इज डिजायर डी एन ए। बेटा आपको अगर कोई डिजायर डी एन ए है, कोई फॉरेन डी एन ए है, उसको किसी अदर ऑर्गेनिज्म में आपको क्लोन करना है, तो अपन क्या यूज करते हैं, वेरी गुड, क्लोनिंग वैक्टर्स, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वैक्टर्स, वैक्टर क्लोनिंग वैक्टर लाइक प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कोजमिड, यैक, बैक, सो मैनी क्लोनिंग वैक्टर्स आर यूज टू क्लोन द फॉरेन डी एन ए इन बायो टेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इनमें पूछा क्या बेटा, देखो ये बात कर रहा है कि स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, तो कौन सा क्लोनिंग वेक्टर है, ये सारे क्या हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, तो ये बात कर रहा है कि सबसे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट को कौन क्लोन करवाएगा। ओके तो मैं आपको कुछ यहाँ गाइडेंस दे देता हूँ, जो बेटा प्लाज्मिड होता है, ये देखो यहीं मेंशन कर रहा हूँ, जो प्लाज्मिड है उसका जो इंसर्ट साइज है वो 10 to 15 kbps होता है, किलो बेस पेयर, कितना है बेटा याद रखना, 10 to 15 किलो बेस पेयर। ओके जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम है, बैक, ओके बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, इसका होता है 100 to 300 किलो बेस पेयर। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम लार्जेस्ट होता है बेटा, इसका एवरेज 2000 किलो बेस पेयर, और जो कोजमिड होता है उसका होता है एवरेज बेटा मोर देन 45 किलो बेस पेयर। ओके तो आप देख लो यहाँ डेटा मैंने आपको बता दिया है, स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट को कौन क्लोन करवाएगा बेटा, आंसर क्या होगा आपका, प्लाज्मिड, आंसर विल बी प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें अपन क्या करते हैं, जो ह्यूमन का जीनोम है उसको क्या किया गया है बेटा, सीक्वेंस किया गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल जीन्स, टाइप ऑफ जीन्स, द सीक्वेंस ऑफ जीन्स, द फंक्शन ऑफ जीन्स और द रोल ऑफ जीन्स बाय द हेल्प ऑफ HGP। तो वही बात आ गई बेटा, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे, और यूज में क्या करते हैं अपन, जो जीन्स वगैरह हैं उनको आरी से डाइजेस्ट करेंगे, उनके फ्रेगमेंट्स को क्लोन करवाएंगे, फर्दर उनकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमनली यूज करते हैं अपन, जो वेक्टर यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखना, वो वेक्टर कौन से हैं बेटा, बैक एंड यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, क्योंकि इनकी साइज बेटा क्या है, लार्जेस्ट साइज है इनकी, डीएनए इंसर्ट साइज क्या होती है, लार्ज होती है, अभी बताया था मैंने ये 300 किलो बेस पेयर, और इसकी एवरेज कितनी बेटा 2000 किलो बेस पेयर। तो कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बैक एंड ये, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट GM रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विसेज। ओके ये भी आपकी NCERT का क्वेश्चन है, इसने बात किसकी की है बेटा, जो GM अपन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, GM प्लांट, GM एनिमल्स, तो अपन पब्लिक सर्विसेज के लिए उनका क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए
कि वो अपने लिए हार्मफुल हैं या नहीं है, यूज़फुल हैं, कितने यूज़फुल हैं, नेचर के लिए ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं है, तो वो सारी जो सेफ्टी वगैरह हैं उनको कौन अथोराइज करता है, परमिशन कौन देता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अपने इंडिया की बात करें तो कौन है बेटा यहाँ पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, दैट इज द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट द ऑथराइजेशन ऑफ GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट, द DNA मोलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर द क्लोनिंग इज कॉल्ड, वेरी सिंपल, इसमें बात क्या की है बेटा, ये किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है DNA मॉलिक्यूल टू विच जीन इज इंटरेस्ट इंटीग्रेटेड, मतलब ये बात कर रहा है आपको DNA क्लोनिंग करवानी है तो उस जीन को आप जिसके साथ इंटीग्रेट करते हो क्लोनिंग के लिए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेरी सिंपल, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर। कौन है ये बेटा, ये क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, क्लोनिंग वेक्टर, देखो वही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं बार बार, क्लोनिंग वेक्टर्स आर यूज फॉर द क्लोनिंग ऑफ डिजायर्ड DNA लाइक प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कोज्मिड, रेट्रोवायरसेज, बैक, यैक, दीज आर द वैक्टर्स। ओके, आंसर क्या हो जाएगा आपका, वैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टूगेदर बाई, जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया था, इसने क्या कहा बेटा, जो ह्यूमन इंसुलिन है उसमें दो पॉलीपेप्टाइड चैन है बेटा, ए चैन एंड बी चैन, दोनों आपस में कौन से बॉन्ड से लिंक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, आंसर विल बी डाइसल्फाइड ब्रिज। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो अपन बात करते हैं यहां पर किसकी, टैग पॉलीमरेज एंजाइम की, तो बेटा टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे ऑब्टेन किया गया है, याद रखना बेटा, थर्मस एक्वेटिकस, दैट इज थर्मोफिलिक बैक्टीरिया सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर एरिया, सो इट कंसिस्ट हीट सोक प्रोटीन्स, इट कंसिस्ट द एंजाइम्स दोज रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है, और ये किसकी बात कर रहा है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, और बेटा आपको पता है ये एंजाइम जो इसको अपन किस में यूज करते हैं, यूज इन PCR, और ये जो एंजाइम है वो क्या है, थर्मोस्टेबल एंजाइम, जो हाई टेम्परेचर पे भी क्या रहता है बेटा, एक्टिव। तो आप बोलो ये एंजाइम क्यों यूज किया, आपको पता है PCR में आपको डिनेचुरेशन करवाना है बेटा, वहाँ पर हाई टेम्परेचर अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं, अगर आपने नॉर्मल एंजाइम लिया जो टेम्परेचर सेंसिटिव है तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएगा, डिनेचर हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आरई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन होते हैं बेटा, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आरई। ओके, ये बात कर रहा है कौन सा इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, क्या होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बेटा, वेरी गुड, आरई कौन होते हैं, आरई स्पेसिफिक एंजाइम्स फाउंड इन बैक्टीरिया दोज कट द डबल स्टैंडर्ड DNA एट स्पेसिफिक साइट्स आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ ए स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, तो उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, आरई बोलते हैं, और आरई क्यों डेवलप हुए हैं बैक्टीरिया में, फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द बैक्टीरियोफेजेस। तो बेटा यहाँ पर आरई के एग्जाम्पल की बात करें तो देखो प्रोटीएज आरई नहीं है बेटा, DNA इज फर्स्ट, ये भी आरई नहीं है, RNA जो है वो भी RNA है, आपको पता है प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को, RNA किसको डाइजेस्ट करेगा, RNA को, DNA को, ये जो आपका है हिंड सेकेंड दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ओके, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और कौन सी स्ट्रेन बेटा, डी स्ट्रेन, और ये सेकेंड क्या है आइसोलेटिंग order, that is the restriction endonuclease enzyme. Next question, which of the following is not required for any of the technique for DNA fingerprinting? Very simple question. जो DNA fingerprinting है बेटा उसमें कुछ steps दे रखी हैं, ठीक है, NCRT में, isolation of DNA, dissolution of DNA by the restriction endonuclease enzyme, फिर क्या करेंगे उसमें southern blotting करेंगे, उसको transfer करेंगे nitrocellulose membrane पे, उसके बाद में फर्दर उनको अपन आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें कुछ टेक्निक है, तो देखो बेटा यहाँ पर कौन सा है जो अपन यूज नहीं करते, ठीक है, तो जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है उसमें देखो 4th ऑप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन PCR यूज करते हैं बेटा,
नंबर इंक्रीज करते हैं डीएनए का, ये भी यूज होता है. डीएनए हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीएनए प्रोब्स, अभी बताया था मैंने. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं डीएनए को कट करने के लिए. बट जो जिंक फिंगर एनालिसिस है, ये टेक्निक उसमें काम में नहीं लेते. ये डिफरेंट टेक्निक होती है. ये टेक्निक जो है वो जो डीएनए वगैरह होते हैं उनमें जो मोटिव होते हैं उनके साथ इनको बाइंड करवाते हैं एनालिसिस के लिए. तो जिंक आयन उनका यूज करते हैं, लेकिन ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में इसका कोई रोल नहीं होता. आंसर विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द डीएनए फ्रेगमेंट मोमेंट ऑन एगरोज जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें यहाँ पर, तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा होती क्या है? इट इज़ ए टेक्निक दैट इज यूज टू सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. जो डीएनए फ्रेगमेंट है उनकी जो साइज है उनके बेसिस पे क्या करते हैं अपन, उनको सेपरेट करते हैं. सेपरेशन होगा, अलग अलग बैंड विजिबल होंगे, ठीक है, जिनको अपन फर्दर स्टडीज में काम मिलेंगे. तो देखो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये आपकी जेल है दैट इज मेड अप ऑफ एगरोज. ओके, किसकी बनी होती है ये बेटा? एगरोज की. एगरोज क्या होता है? पॉलीसैकेराइड ऑब्टेन फ्रॉम द सीवीड्स. अब इस जेल में क्या होते हैं? माइन्यूट पोर्स होते हैं. आपने क्या किया, इसके अंदर डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, जो आपने किससे? आरी से ट्रीट करवाए हैं. जैसे ऐड करोगे तो एक तरफ तो क्या होता है बेटा यहाँ पर, एनोड होगा, और एक तरफ क्या होता है? कैथोड. वेरी सिंपल, एनोड पे चार्ज क्या होगा बेटा? पॉजिटिव, और कैथोड पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव. और अपन जानते हैं डीएनए इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है. तो जैसे आप इसको इसमें लोड करोगे तो डीएनए किधर मूव करेगा? टुवार्ड्स द एनोड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, स्पेसिफिक साइज. तो जो स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट होंगे बेटा उनकी स्पीड क्या होगी? फास्ट होगी. उनकी जो स्पीड है वो क्या होगी? फास्ट देन द लार्जर वंस. तो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बेटा, ये क्या कह रहा है? द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव. वेरी सिंपल, अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या हो गया? सही हो गया. स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव. जिसकी साइज स्मॉल होगी, जितनी स्मॉल होगी वो आगे मूव करेंगे. सबसे आगे कौन होंगे? जिनकी साइज क्या है? स्मॉलेस्ट है, ठीक है. ये ऑप्शन देखो, पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स मूव टू फर्दर एंड, नॉट पॉसिबल. नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, पॉसिबल नहीं है. नहीं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है जो मूव करता है. द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव. लार्जर जो है आगे नहीं रहेगा, आगे कौन है बेटा? स्मॉलेस्ट रहेगा. तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? फर्स्ट. सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको क्लियर करना है. लैंग्वेज को पहले पकड़ना है आपको, है ना, और लैंग्वेज के बाद सीधे कॉन्सेप्ट पे जाना है कि ये कौन से कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको सीधा आंसर पे अटैक करना है. चलो अगला क्वेश्चन, ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है बेटा. अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अपनी डिजायर्ड जीन जो है वो आपकी जो होस्ट सेल हैं उसमें ट्रांसफर हुई या नहीं हुई, उसके लिए अपन काम में लेते हैं बेटा सेलेक्टेबल मार्कर्स. क्या यूज करते हैं बेटा? इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेबल मार्कर्स. और एग्जांपल बताता हूँ बेटा, सेलेक्टेबल मार्कर जो है उनका एग्जांपल, जैसे आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है लाइक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, दीज आर द सेलेक्टेबल मार्कर्स. दीज आर यूज टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेंट्स दोज कंटेन डिजायर्ड जीन. ओके, आंसर विल बी फोर्थ. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड. इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुना. पहले ये बात कर रहा है सेपरेशन और प्योरिफिकेशन. तो आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ. ये बेटा आपका है बायोरिएक्टर, याद आया? आपके 12th क्लास में टॉपिक है जिसमें ये बायोरिएक्टर को एक्सप्लेन किया है. ये कौन है बेटा? बायोरिएक्टर. बायोरिएक्टर में क्या करते हैं अपन, जो अपनी होस्ट सेल्स हैं दोज कंटेन अवर डिजायर्ड जीन, उनको अपन क्या करते हैं इसके अंदर ऐड करते हैं. ये कौन है इसमें? होस्ट सेल. ओके, रिकॉम्बिनेंट सेल. अब इसके अंदर होस्ट सेल क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रोथ करेंगे, अपना प्रोडक्शन बनाएंगी, अपना जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसका भी क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन होगा, ठीक है. तो ये जो बायोरिएक्टर में जो फेज हो रही है उसको अपन बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, दैट इज द बायोसिंथेटिक फेज. ओके, बायोसिंथेटिक फेज से पहले आपने जो भी किया है ना
जीन को ऑप्टेन किया था, डाइजेस्ट किया था, ट्रांसफर किया था, आइडेंटिफाई किया था, रिकॉम्बिनेंट जो प्रोटीन होस्ट सेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके इसके अंदर ऐड किया है, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या होगी वो? अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। कौन सी अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग बेटा? बिफोर द बायोसिंथेटिक फेज। और बायोसिंथेटिक फेज कंप्लीट होने के बाद जब इसमें प्रोडक्ट बन जाता है तो आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पर प्योरिफिकेशन करना है और उसका क्या करना है? सेपरेशन करना है। तो इसको अपन बोल देंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। दैट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग दैट इंक्लूड्स सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द बायोसिंथेटिक फेज। आंसर विल बी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एगरोज जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बताया था आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इलेक्ट्रोफोरेसिस ये जेल थी बेटा, आपने डीएनए इसमें रन करवाया, ये क्या है? वेल्स हैं। डीएनए रन करेगा तो इसके अंदर ये सेपरेट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। वी नो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड बट डीएनए इज कलरलेस। डीएनए कलरलेस होता है बेटा, वो आपको नॉर्मली दिखाई नहीं देगा, स्मॉल भी है और कलरलेस है। तो डीएनए को आपको विजुलाइज करना है तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर डीएनए को बेटा स्टेन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक डाई, दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड। डाई कौन सी बेटा? यहाँ पर इथिडियम ब्रोमाइड दैट इज यूज्ड टू स्टेन द न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए। तो आपने डाई कौन सी काम में लिया बेटा? ईटीबीआर। और जैसे ईटीबीआर यूज करोगे आफ्टर द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल अपन क्या करेंगे? उस पर यूवी रेडिएशन को एक्सपोज करेंगे। जैसे यूवी रेडिएशन इमिट करोगे तो वहां जो आपके डीएनए बैंड है वो आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। कैसे देंगे? याद रखना, ब्राइट ऑरेंज। ओके, तो आंसर क्या है इसका? इथिडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो पीसीआर है उसमें बेटा स्टेप्स होती हैं और इसने देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, उसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या होगा? करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीसीआर रिएक्शन। देखो सिंपल है, आपको मैं पूरा ऑर्डर क्लियर कर देता हूं। जो पीसीआर है उसमें उसके जो स्टेप्स हैं बेटा, उसमें तीन स्टेप होती हैं। फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, समझना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते हैं। सेकंड एनीलिंग एंड थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, ओके। डीनेचुरेशन मींस एट हाई टेम्परेचर बोथ स्ट्रेंड्स गेट सेपरेटेड। तो डीनेचुरेशन में अपन बेटा टेम्परेचर लेंगे 94 डिग्री सेल्सियस, जिसमें आपका जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या होगा बेटा? अनवाइंड हो जाएगा और अलग अलग स्ट्रेंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। एनिलिंग में क्या करते हैं बेटा? टेम्परेचर यहाँ थोड़ा कम करेंगे, एवरेज 40 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर अपन प्राइमर ऐड कर देंगे। ओके, प्राइमर ऐड करेंगे तो प्राइमर जो है स्ट्रेंड के साथ जाके क्या होंगे? लैगेट हो जाएंगे। उसके बाद में एक्सटेंशन, यहाँ पर 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, बिकॉज 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एक्टिविटी ऑफ टैक डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि एक्सटेंशन में किसका यूज होगा बेटा? टैक डीएनए पॉलीमरेज का। तो टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? एक्सटेंशन। तो आपके कितने डीएनए बन जाएंगे यहाँ पर? दो डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल, दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स ऑफ पीसीआर, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आंसर विल बी डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज इज। अभी थोड़ी देर पहले आया था बेटा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो कौन है वो? डायरेक्ट आंसर दो अब, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज अ वैक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बेटा सीधी सी बात करो, आपको ह्यूमन सेल में ह्यूमन लिम्फोसाइट की बात कर रहा है, ह्यूमन सेल, इसमें आपको कोई फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करवाना है तो वहां पर वेक्टर कौन सा काम में लोगे बेटा? याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे। उसमें अपन वेक्टर काम में लेते हैं बेटा रेट्रोवायरस। कौन से? रेट्रोवायरसेज एज ए वैक्टर, क्योंकि रेट्रोवायरस की बेटा प्रॉपर्टी है जो ह्यूमन को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करेंगे। उनकी नेचर है, टेंडेंसी है, वो अपने जीनोम को क्या करते हैं? अपने ह्यूमन सेल के जीनोम में इंट्रोड्यूस करवाएंगे।
तो अपन क्या करेंगे, अपना जो डीएनए फ्रेगमेंट है डिजायर्ड जीन उसके साथ लाइगेट कर देंगे ताकि इजीली क्या करें उसको इन्फेक्ट करें और उसको उसमें ट्रांसफर कर दे। तो ह्यूमन के लिए वेक्टर कौन सा काम में लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कौन सा, रेट्रोवायरस। आंसर विल बी रेट्रोवायरस। और आप याद रखना बेटा ये यूज किया गया है स्किड, याद आया बेटा आपके एनसीईआरटी में जो दे रखा है जीन थेरेपी, उसमें डिजीज दे रखी है स्किड। तो जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी थी वो कौन से डिजीज के लिए हुई थी बेटा, स्किड के लिए, 4-year-old girl इन 1990। और वहां पर आपने वेक्टर कौन सा काम में लिया था, रेट्रो वायरस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड, वेरी सिंपल, ये किसकी बात कर रहा है बेटा, ये बात कर रहा है जो बायो रिसोर्सेज हैं, आपने क्या किया किसी विदाउट ऑथराइजेशन बायो रिसोर्सेज को अपन यूज कर रहे हैं, जो किसी कंट्री से कंसर्न करता है या किसी पीपल से कंसर्न करता है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, बायो पायरेसी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी से, दैट इज कॉल्ड बायो पायरेसी। ठीक है, इसका आंसर तो सीधा हो जाएगा बायो पायरेसी। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, बायो पायरेसी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ राइट्स दिए हैं उन कंपनीज को, ऑथर्स वगैरह को या जो पीपल्स कंसर्न द बायो रिसोर्सेज, तो वो जो ऑथराइजेशन दिए हैं वो है बायो पेटेंट। बायो पेटेंट क्या है बेटा, बायो पेटेंट इज ए राइट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द बायो पायरेसी। ओके नेक्स्ट, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ ए मिक्सर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय द ट्रीटमेंट विद, वेरी सिंपल, ये बात किसकी कर रहा है बेटा, सीधा अप्रोच करो, ये कहां से क्वेश्चन उसने निकाला है, ये याद करो, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल आपका टॉपिक है बायोटेक में, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो आपको जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है, तो आप सब जानते हो बेटा इसमें कुछ एंजाइम वगैरह काम में लेते हैं, मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ आपके सामने, बिल्कुल ध्यान रखना, इससे पक्का क्वेश्चन आता है काफ़ी बार चेंज करके। जैसे आपकी प्लांट सेल है बेटा, आपके पास प्लांट सेल है, इसके अलावा आपके पास बैक्टीरियल सेल है, हो सकता है फंगल सेल हो, फंजाई या एनिमल सेल, एनिमल, ठीक है, आपको क्या करना है इनका जेनेटिक मटेरियल ऑब्टेन करना है, टू ऑब्टेन ए पर्टिकुलर जीन। तो डिफरेंट काइंड्स की सेल्स हैं, तो आपको टेक्निक्स काम में लेनी पड़ेंगी, कुछ स्टेप्स काम में लेनी पड़ेंगे। आप जानते हो बेटा प्लांट सेल है, इसमें सेल वॉल है, तो आप क्या करोगे, प्लांट सेल को पहले ट्रीट करवा दो कि आप सेलुलेज एंजाइम से। ओके, अगर बैक्टीरियल सेल है तो एंजाइम कौन सा काम में लोगे बेटा, इंपॉर्टेंट है लाइसोजाइम दैट ब्रेक द बैक्टीरियल सेल वॉल। अगर फंजाई है तो एंजाइम कौन सा काम में लोगे बेटा, काइटिनेज। ओके, तो दीज आर द सेल वॉल ब्रेकर एंजाइम। लेकिन एनिमल सेल है तो वहां पर आपको सेल वॉल ब्रेकर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज एनिमल सेल लाइक द सेल वॉल। ओके, तो बताओ ये सब किसमें आ गए, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। फिर उसके बाद में अपन यूज करेंगे एंजाइम्स लाइक प्रोटीएज, लाइपेज, आरएनएज एक्सेप्ट डीएनएज, क्योंकि आपको डीएनए को तो क्या करना है बेटा, ऑब्टेन करना है, तो डीएनएज एंजाइम यूज नहीं करेंगे, डीएनएज एंजाइम यूज कर लिया तो डीएनए को क्या कर देगा, वो डाइजेस्ट कर देगा, तो ये एंजाइम यूज करो, सारे जो मैक्रोबायो मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएंगे बेटा, डाइजेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करवाओ उसका, टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफिकेशन करवा लो, क्या करवाएंगे बेटा, सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन में क्या होगा, सेडिमेंटेशन। लेकिन अपन क्या करेंगे यहाँ पर, इस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे बेटा चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल जैसे ऐड करोगे तो चिल्ड एथेनॉल क्या करती है, प्रेसिपिटेशन को बेटर कर देगी, ताकि डीएनए जो आपका क्लियरली क्या हो जाएगा, सेपरेट। तो क्वेश्चन भी पूछा है, अचीव्ड बाय द ट्रीटमेंट भी, तो यूज क्या करेंगे बेटा यहाँ पर, चिल्ड एथेनॉल, आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बेसिलस थुरिंजियंसिस इन बॉल वर्म। ओके, ये क्वेश्चन निकाला है बेटा आपका बायोटेक से, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, बीटी प्लांट। ओके, तो ये बात किसकी कर रहा है बेटा, बेसिलस थुरिंजियंसिस दैट इज बीटी। बीटी क्या है बेटा, बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में एक पर्टिकुलर जीन होती है जिसको बोलते हैं बेटा क्राई जीन, क्राई जीन कॉड्स, क्राई प्रोटीन, याद आया, क्राई प्रोटीन। और क्राई प्रोटीन क्या होती है बेटा, इंसेक्टिसाइडल, क्या होती है ये, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ओके, जो क्या करती है, इंसेक्ट्स को किल करती है। लेकिन इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है बेटा, ये जो क्राई प्रोटीन है वो एल्कलाइन पीएच पे क्या होगी बेटा, एक्टिवेट होगी,
एल्कलाइन पीएच में क्या हो जाएगी, एक्टिवेट, तब जाके ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन बॉलवर्म, तो आपका आंसर क्या होगा, जो इंसेक्ट्स हैं लाइक बॉलवर्म उसकी जो गट है, और याद रखना बेटा कौन सी, मिड गट, वहां पर पीएच क्या है, एल्कलाइन, तो एल्कलाइन पीएच में क्या हो जाएगा, एक्टिवेट, तो आंसर क्या आपका, एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। और याद रखना यहाँ पर बेटा मिड गट है होता है ना, क्वेश्चन आ सकता है मिड गट ऑफ इंसेक्ट, जैसे फोर गट, हिंड गट, मिड गट, तो आंसर क्या होगा, मिड गट ऑफ इंसेक्ट ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट फॉर द गोल्डन राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन आता है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, गोल्डन राइस क्या होते हैं बेटा, याद रखना बेटा जो गोल्डन राइस है, यही लिख रहा हूं मैं, मेंशन कर रहा हूं, गोल्डन राइस, वेरी सिंपल क्या है बेटा, जीएम राइस है, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, इट मींस इट कंसिस्ट ए स्पेसिफिक फोर इंजिन, जिसमें फोर इंजिन प्रेजेंट है वो क्या होगा बेटा, जीएम ऑर्गेनिज्म होगा, तो ये क्या है बेटा, जीएम राइस होता है। इसके अंदर जो जीन होती है फोर इंजिन, वो क्या करेगी बेटा, किसको कोड करेगी, बीटा कैरोटीन को, और बीटा कैरोटीन इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, तो गोल्डन राइस क्या होते हैं बेटा, विटामिन ए रिच, जिनमें विटामिन ए काफी होता है, विटामिन ए से प्रचुर होते हैं, ये क्या है, गोल्डन राइस। अब इसने ऑप्शन क्या दिया, देखो बेटा इट इज ड्रॉट टॉलरेंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है और विटामिन ए रिच होता है, तो सीधा आप आंसर पे जाओ, विटामिन ए एनरिच विद ए जीन, इसमें क्या है, जीन, और ये जीन जो उसका सोर्स का बेटा याद रखना, वो जीन किस ऑप्टेन की गई है, डेफोडिल प्लांट से। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन द डायग्राम, अभी जो क्वेश्चन आ गया बेटा मोलिकुलर के आ गया ना, बायोटेक के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, अब मोलिकुलर बायोलॉजी के जो नीट के क्वेश्चन हैं वो अब स्टार्ट हो गए। ओके, और आप बेटा ध्यान रखना, बायोटेक और मोलिकुलर दोनों ही स्कोरिंग है, ठीक है, स्कोरिंग का मतलब होता है बिल्कुल आंसर आपका सही जाएगा अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है, तो उसमें गलत होने के चांस ही नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, और एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं, ठीक है। बात करते हैं इसकी, ये सामने एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, उसमें कुछ ब्लैंक्स हैं ए बी सी, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, तो बेटा आप सीधा सा कॉन्सेप्ट पे जाओ, ये बताया किसको बताया पता है, सेंट्रल डोगमा को, कौन है ये, सेंट्रल डोगमा, देखो यहाँ डीएनए टू डीएनए दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, डीएनए टू एमआरएनए दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, mRNA to protein, that process is translation. और ये क्या बोला इसने, proposed by, central dogma proposed by Crick. आ जाओ option पे बेटा, simple हो गया। तो यहाँ A क्या है बेटा, transcription सही है, B क्या है, translation, और C क्या है, Francis Crick. तो अपना answer क्या हो जाएगा बेटा, first हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, important है बेटा ये, that is the common central dogma, usual central dogma. और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना बेटा, इट रिप्रेजेंट द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, अब जो रॉन्गली मैच्ड है उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन, देखो बेटा क्या लिखा है, राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए, बेटा यही रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर डीएनए टू टीआरएनए इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएंगी, एमआरएनए के पास, ठीक है, तो ये रॉन्ग है, आंसर ये हो जाएगा, लेकिन आगे ऑप्शन देखते हैं, ट्रांसलेशन यूजिंग इन्फॉर्मेशन इन एमआरएनए टू मेक प्रोटीन, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रांसलेशन क्या होता है, अ प्रोसेस बाय विच प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स दैट इन्वॉल्व द एमआरएनए एज ए टेम्पलेट, तो एमआरएनए टेम्पलेट पे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, सही स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन देखो, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर टू स्टॉप द एंजाइम सिंथेसिस, ये आपका लैकोपेरोन से स्टेटमेंट ले लिया उसने, पेयरिंग देखो, जो लैकोपेरोन उसमें बेटा रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो क्या करती है, रिप्रेसर प्रोटीन, याद रखना बेटा रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विद ऑपरेटर, ऑपरेटर से जैसे बाइंड होगी तो ऑपरेटर पे बाइंड होगी तो आरएनए पॉलीमरेज का जो पाथ है वो प्रिवेंट हो जाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट है, करेक्ट पेयरिंग है, ओपेरोन स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर प्रमोटर, सही है, ओपेरोन में स्ट्रक्चरल जीन होती है, ऑपरेटर होता है प्रमोटर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा, फर्स्ट। ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई, वेरी सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रपोज बाई, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस डिस्कवर्ड बाई, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ग्रिफिथ, आंसर विल ग्रिफिथ, याद आया आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस डिस्कवर किया था, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या बेटा, जीन ट्रांसफर मेथड है बेटा बैक्टीरिया में, तो मीडियम से अगर डीएनए बैक्टीरिया में एंटर हो रहा है, याद करो उसमें उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन
वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं सिंपल, लेकिन आपको पता है क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, चाहे वो सिंपल हो या हार्ड हो। अगर थोड़ा सा आपने लापरवाही कर दी, थोड़ा समझने में गड़बड़ कर दी, तो आंसर गलत भी हो सकता है। क्या बोला इसने? डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस दिया है। ओके, डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, और यहाँ दिया डायरेक्शन ऑफ द रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। बेटा फंडा है, याद रखना आप, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आए आप वो करना है। द डायरेक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑलवेज 5' to 3', याद रखना आपको। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि जो न्यूक्लिक एसिड है, इधर डीएनए और आरएनए, उसकी जो फॉर्मिंग डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, बेटा याद रखना हमेशा कौन सी डायरेक्शन में फॉर्मेशन होगा, 5' to 3', चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। और जो टेम्पलेट होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, 3' to 5'। आपको पता है ये टेम्पलेट है बेटा, ये 3' to 5' टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट पे अगर न्यूक्लिक एसिड बनेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज 5' to 3', वेरी सिंपल। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, डायरेक्शन ऑफ द आरएनए सिंथेसिस 5' to 3' सही दे रखा है, टेम्पलेट की क्या है बेटा 3 to 5, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलो बेटा। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ऑपेरोन ऑफ इकोलाई दैट इन्वॉल्व द लैक आई जीन प्रोडक्ट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ऑपेरोन ऑफ इकोलाई दैट इन्वॉल्व लैक आई जीन प्रोडक्ट इज, ये बात करें वो जीन रेगुलेशन किस टाइप का है। तो याद रहे बेटा, एक बार मैं कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ, जो लैक ऑपेरोन है आपको पता है यूजुअल केस में क्या होता है बेटा, ऑफ होता है। और जैसे ही आपका इंड्यूसर आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, बेटा क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, यूजुअली ऑफ, और इंड्यूसर की प्रेजेंस में क्या हो गया, ऑन। तो आप इसको क्या बोलोगे बता, इंड्यूसिबल हो गया ना, इंड्यूसिबल। ये तो हो गया, ये क्या है, इंड्यूसिबल टाइप का है, मतलब इंड्यूस किया गया है, इंड्यूसिबल हो गया। और ये जनरली क्या है, यूजुअल केस में क्या है, ये नेगेटिवली रेगुलेटेड है। यूजुअली केस में क्या है, ये नेगेटिव, बोले तो ऑफ है। तो ये बताओ कौन सा टाइप हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल, बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन। ऑब्वियसली आंसर विल बी थर्ड, समझना बेटा इसको। नेगेटिव हो गया क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन ने उसको क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है, ठीक है, यूजुअल केस में। और इंड्यूसिबल टाइप का हो गया, क्यों, क्योंकि ऑफ है, इंड्यूसर की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा बेटा, ऑन हो जाएगा। तो देखो बेटा आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड, नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल, बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड, ये आपको वो सी अर्चिन के डीएनए में जो बेसेज हैं उनकी परसेंटेज दिए बेटा, 17% बेस वेयर शोन टू द साइटोसिन। ओके, इसने क्या बोला है, जो डीएनए है डबल स्ट्रैंड डीएनए सी अर्चिन का, डीएस डीएनए, उसमें साइटोसिन कितना बेटा, 17%। वेरी सिंपल, यहाँ चार ग्राफ रूल जो है अप्लाई कर दो, जो डबल स्ट्रैंड डीएनए पे अप्लाई होते हैं। तो साइटोसिन आपका 17% है, तो बेटा गुआनिन कितना होगा, वेरी गुड, 17%, 17 17 34, रिमेनिंग कितना हो गया बेटा, 66। तो 66 में देख लो अब, थाइमिन कितना होगा, 30%, और एडेनिन भी कितना होगा बेटा, 30%। समझ में आ गया ना बेटा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्वानिन एडेनिन 33, ये फोर्थ हो जाएगा। आपने क्या अप्लाई किया यहाँ पर, चार ग्राफ रूल होता क्या बेटा, चार ग्राफ रूल, इन डबल स्ट्रैंड डीएनए द अमाउंट ऑफ एडेनिन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन, अमाउंट ऑफ ग्वानिन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन, प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू द पिरिमिडिन इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये क्वेश्चन ये आता रहता है बेटा, चार ग्राफ रूल से भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, इसलिए इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडोन, ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो अपना ट्रांसलेशन वगैरह है इसकी बात कर रहे हैं, और जेनेटिक कोड वगैरह आपने पढ़े हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ यहाँ पर याद रखना है, जो स्टार्ट कोडोन होते हैं, स्टार्ट कोडोन जो ट्रांसलेशन स्टार्टिंग में हेल्प करते हैं, उसकी बात करें तो कौन है वो, एयूजी, ओके एयूजी एक्ट एज इनिशिएशन कोडोन, स्टार्ट कोडोन दैट ऑल्सो कोड्स फॉर मिथियोनिन, ठीक है। और स्टॉप कोडोन की बात यहीं कर लो बेटा, सुन लो, स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन का एग्जाम्पल भी पूछता है, स्टॉप कोडोन कौन है बेटा, UAA, UAG and UGA, दीज आर द स्टॉप कोडोन हेल्प इन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस, एंड AUG इज द स्टार्ट कोडोन हेल्प इन द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो आंसर विल बी AUG।
Next, which of the following is required as inducer for the expression of lac operon? Very simple. बेटा lac operon जो है उसमें बात कर रहा है कि inducer कौन है. Very simple है, lac operon inducer कौन होगा आपका? Lactose. Okay? तो lactose is the inducer of lac operon. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये रहा lactose. ठीक है. नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम इज, सिंपल क्वेश्चन है बेटा. जो नॉन प्रोटीन एंजाइम जो प्रोटीन नेचर का नहीं है कौन होता है बेटा? राइबोजाइम होता है. बोले तो आरएनए होता है, एक्ट एज एंजाइम, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? राइबोजाइम, जिसकी नेचर क्या है? न्यूक्लिक एसिड, नॉट प्रोटीन. आंसर विल बी राइबोजाइम. विच ऑफ द फॉलोइंग आरआरएनए एक्ट एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज द राइबोजाइम. ये वही सेम देखो क्वेश्चन रिपीट कर दिया. कौन सा होता है बेटा? 23S आरआरएनए. यही है किसका काम करता है बेटा? ये राइबोजाइम का. 23S आरआरएनए एक्ट एज एंजाइम, दैट इज कॉल्ड राइबोजाइम. और इसका फंक्शन क्या है बेटा, याद करो. 23S आरआरएनए का काम क्या होता है? ड्यूरिंग ट्रांसलेशन 23S आरआरएनए कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑन द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड द, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन का. इसने बोला है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन. ओके, ये आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहा है बेटा. जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, देखो समझो, जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें कौन सा एंजाइम, की एंजाइम कौन होता है ट्रांसक्रिप्शन का बेटा? आरएनए पॉलीमरेज. कौन सा एंजाइम बेटा? ये आरएनए पॉलीमरेज. एक्चुअल में इसका पूरा नाम क्या है? ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है बेटा. That use the template strand for the formation of RNA. So it is DNA dependent RNA polymerase. अब आ जाओ इस पर बेटा. ये देखो, ये double strand DNA है, उसमें ये तो है बेटा 5 prime और ये 3 prime. ये 3 prime और ये 5 prime. अगर मैं promoter की बात करूँ तो यहाँ मैंने बोला कि ये promoter है, ठीक है. इसके अलावा बेटा यहाँ पर क्या होगा आपका? Structural gene है सिस्ट्रॉन, और यहाँ कौन होता है? Terminator. तो ये क्या हो गया? एक DNA का पार्ट हो गया. दैट कंसिस्ट द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट लाइक प्रमोटर सिस्ट्रॉन एंड टर्मिनेटर. ओके, अब देखें यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा? डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का फॉर्मेशन करेगा. तभी तो आपने बोला डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ओके, चलो आगे. फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में होगा भी बताया था मैंने, चाहे आरएनए हो डीएनए हो, उसका फॉर्मेशन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. तो यहां बताओ बेटा, या यहां ये वाली स्ट्रैंड जो है उसको अपन बोलते हैं बेटा कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड. और ये वाली स्ट्रैंड जो है वो है बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड. कौन सी है? टेम्पलेट. ओके, टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम. इसके कॉम्प्लीमेंट्री वो क्या करेगा? डीएनए बनाएगा. तो आप बताओ बेटा यहाँ पर आंसर क्या होगा? विच इज कॉल्ड, तो स्ट्रैंड कौन सी होगी? वो दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड. यहाँ टेम्पलेट देखो कहाँ पे है, ये रहा टेम्पलेट स्ट्रैंड. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है बेटा. डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा. जो बैक्टीरिया है बेटा, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये लो ये प्रोकैरियोट्स, उनमें आपको पता है बेटा डिवीजन होगा. उनमें भी क्या होता है? सेल डिवीजन. लेकिन वहां पर माइटोसिस प्रोसेस नहीं होगा, वहां पर क्या होता है बेटा? ए माइटोसिस. तो इसका मतलब क्या हो गया? जो बैक्टीरिया है उनमें ये जो इंटरफेज एम फेज डिवाइडेड नहीं है, जी वन एस जी टू एनाफेज मेटाफेज ये जो है डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है. ओके, तो अगर बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, चलो आप देखो. डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स विद इन न्यूक्लियस, बेटा नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियस होता ही नहीं है. प्रियोर टू फ्यूजन, प्रियोर टू फ्यूजन, इसका मतलब होगा जैसे ये सेल डिवाइड हो गई, इसको सेल को डिवाइड होकर दो सेल बनानी है बेटा, ये दोनों में क्या होगा? डीएनए. तो जस्ट प्रियोर टू द फ्यूजन, तो डिवाइड होने से पहले क्या करेगा बेटा? ये रेप्लीकेट हो जाएगा. ठीक है, आंसर ये हो जाएगा आपका प्रियोर टू द फ्यूजन. आगे ऑप्शन देखो, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, कोई रोल नहीं है ट्रांसक्रिप्शन से पहले, क्योंकि रेप्लिकेशन कब होता है? बिफोर द डिवीजन. ड्यूरिंग एस फेज नहीं कह सकते बेटा, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, इसके अंदर एस फेज नहीं होती है. याद रखना एस फेज जो है वो यूकैरियोटिक सेल का करैक्टर होता है, प्रोकैरियोट में एस फेज जो है वो डिफाइंड नहीं है. तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? प्रियोर टू द फ्यूजन. द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. इसने बात की है जो फाइनल जो प्रूफ था, याद करो बेटा,
unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of Hershey and Chase. किसके experiment से आया था? Hershey Chase. Important है बेटा ये. Hershey Chase ने experiment किस पे किया था? बताओ. Very good. Bacteriophage. और क्या लिया था बेटा साथ में? क्या लिया था? E. coli. ठीक है. और उन्होंने bacteriophage के genetic material को define किया था कि DNA act as genetic material. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? Hershey and Chase. ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखो सीधे अप्रोच पे जाते हैं. ये देखो बेटा, ये एक डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस दिखा रहा हूँ जिसमें एक फोर्क बनी हुई है. ये बेटा है 5' और इधर होगा 3'. ये 3' है तो इधर कौन सा प्राइम होगा? 5'. आपको पता है रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन इस तरफ हो रहा है. ओके, दैट इज द रेप्लिकेशन फोर्क. आप सभी जानते हो बेटा, यहाँ जो डीएनए स्ट्रैंड बनेगी, ये देखो यहाँ ये कंटिन्यूस फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पर कौन सा फॉर्मेशन होगा? कंटिन्यूस. दैट इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड. याद रखना बेटा, ये कौन सी है? ये आपकी है लीडिंग स्ट्रैंड. ओके, और यहाँ जो स्ट्रैंड बनती है बेटा, वो डिसकंटिन्यूस फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ जो स्ट्रैंड बनेगी वो इस तरह से बनेगी बेटा, दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड. कौन सी बेटा? ये है लैगिंग स्ट्रैंड. और लैगिंग स्ट्रैंड पे जो ये डिसकंटिन्यूस डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, वही तो क्या है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. कौन से हैं बेटा? ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. तो आप बताओ बेटा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इलोंगेट कौन सी डायरेक्शन में होंगे? अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क. अब ये बनेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में बन रहे बेटा? ये देखो इधर बनेंगे. तो क्या बोलोगे? अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क. तो आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर पे आओ. द लैगिंग स्ट्रैंड टुवार्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क गलत हो गया. टुवार्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क नहीं होगा. द लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क, लीडिंग स्ट्रैंड नहीं है, गलत हो जाएगा. द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, दैट इज द लैगिंग स्ट्रैंड एंड दिस इज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क. आंसर विल बी थर्ड. ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. द एसोसिएशन ऑफ स्टोन H1 विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स. ओके, ये किसकी बात कर रहा है बेटा? H1. और आप बताओ बेटा, जब DNA की पैकेजिंग होती है तो आपको पता है उसमें किसका रोल होता है? हिस्टोन प्रोटीन्स का. और पैकेजिंग के ड्यूरेशन में क्या बनता है बेटा? न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन होता है. याद आया? न्यूक्लियोसोम, ये रहा आपका न्यूक्लियोसोम. ये ऑक्टामर है, इस ऑक्टामर के चारों ओर ये देखो बेटा, यहाँ पर ये DNA क्या होगा? रैप्ड अराउंड द ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन. ओके, दैट इज न्यूक्लियोसोम. और यहाँ पर कौन सी प्रोटीन आ जाएगी बेटा? यहाँ पर H1 आ जाएगी. तो ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है? न्यूक्लियोसोम का. और न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन कब होता है बेटा? कॉन्सेप्ट है ये, ड्यूरिंग द DNA पैकेजिंग. ऑब्वियसली इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि किसको निर्देशित कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है. चलो, DNA रेप्लिकेशन इज अकरिंग. नोट, जब DNA रेप्लिकेशन होगा तो आपको पता है DNA फ्री हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोसोम वगैरह नहीं रहेंगे. DNA इज कंडेंस्ड इनटू द क्रोमेटिन फाइबर. ये देखो पैकेजिंग की बात कर रहा है, DNA किसमें कंडेंस हो रहा है? क्रोमेटिन फाइबर में. सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? DNA इज कंडेंस्ड इनटू द क्रोमेटिन फाइबर. किसकी बात कर गया ये? DNA पैकेजिंग की बात कर गया. तो ड्यूरिंग DNA पैकेजिंग, DNA एसोसिएट विद द स्टोन प्रोटीन. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन एंड आफ्टर क्रोमेटिन फाइबर विल फॉर्म्ड. तो आंसर विल बी सेकंड. इफ देर आर, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से रीड करना, कॉन्सेप्ट है इसमें. इफ देर आर 999 बेसेज, ओके, इन एन RNA दैट कोड्स फॉर ए प्रोटीन विद 333 अमीनो एसिड्स. सिंपल है, देखो ये क्या कर रहा है. एक RNA है, ओके, mRNA मान लो इसको, mRNA है. उसमें कितने बेसेज हैं बेटा? 999 क्या है इसमें बेसेज हैं. ओके, अब आप बताओ बेटा, कॉन्सेप्ट पे चलो. जेनेटिक कोड जो है किसमें होता है बेटा? ट्रिपलेट में होता है. ओके, एक जेनेटिक कोड जो है एक अमीनो एसिड को कोड करेगा. तो ऑब्वियसली ये जो 999 बेसेज हैं तो इससे जो प्रोटीन बनेगी उसमें कितने अमीनो एसिड होंगे बेटा? 333 हो जाएगा ना. सिंपल प्रोसेस है. जेनेटिक कोड किसमें? ट्रिपलेट में है. तो जो अमीनो एसिड होंगे, कोड्स फॉर प्रोटीन विद 333 अमीनो एसिड, स्टेटमेंट है, सही है. द बेस एट पोजिशन 901, ये क्या कह रहा है? इस mRNA में 901 पोजिशन पे जो बेस है उसको आपने क्या कर दिया बेटा? डिलीट कर दिया. समझना, mRNA की चेन है इसमें 999 बेसेज हैं. वो क्या कह रहा है? इसमें 901 पोजिशन पे जो बेस है वो क्या हो गया बेटा? डिलीट हो गया. ओके, क्लियर.
दैट इज लेंथ ऑफ आरएनए बिकम 9 9 8 बेसेस. एक डिलीट हो गया तो रिमेनिंग बेसेस कितने होंगे 9 9 8. हाउ मेनी कोडोन विल बी अल्टर्ड. ये कह रहा है कि अब कितने कोडोन जो है वो अल्टर हो जाएंगे. तो बेटा यहाँ रूल याद रखना, अगर आपने डिलीट किया है ये क्या हो गया, एक तरह से डिलीशन होगा. तो डिलीशन होने के बाद आगे के जो बेस है ना वो अल्टर होंगे, क्योंकि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट में होता है बेटा, शिफ्टिंग हो जाएगी. तो आगे के बेस अल्टर होंगे, उससे पहले के कोई भी बेस अल्टर नहीं होंगे. एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये है जी ए सी यू ए सी सी ए जी, ये आरएनए की चेन है, ठीक है. ये जैसे कोडोन है जी ए सी यू ए सी सी ए जी, ये क्या है जेनेटिक कोड्स ट्रिपलेट में है. अगर मैंने यहाँ पर देखो ये वाला बेस क्या कर दिया बेटा, डिलीट कर दिया. ओके, इसको डिलीट करोगे तो बेटा जो आगे वाले हैं वो अल्टर होंगे, क्योंकि इनमें शिफ्टिंग होगी, पीछे वाले एज इट इज रहेंगे. तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, कोडोन विल बी अल्टर्ड. कितने कोडोन अल्टर होंगे, कोडोन पे बात कर रहा है, कोडोन क्या ट्रिपलेट में है. तो बताओ बेटा जो 901 है उसके बाद कितने हैं, कितने कोडोन होंगे, अब बताओगे बेटा अप्रोक्स कितने हो जाएंगे. आगे कितने हैं 99 थे, एवरेज कितने हो गए 99. ओके, तो बात कर रहा है किसकी, ये कोडोन्स की बात कर रहा है. तो कोडोन कितने अल्टर हो जाएंगे बेटा, 99 तो क्या है बेसेस हैं, कोडोन कितने होंगे 33. वही नेचर क्या है, ट्रिपलेट है. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 33. सिंपल है बेटा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना, अच्छा क्वेश्चन है और मैंने सारी कॉन्सेप्ट बताए हैं. ट्रिपलेट नेचर को याद रखना है यहाँ पर, ठीक है. नेक्स्ट, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर वेरी सिंपल, बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा. डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. सीधा आंसर जाएगा इसका नेगेटिवली चार्ज्ड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल. सो सिंपल क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट कौन सा होता है बेटा, याद रखना आरआरएनए कितना होता है, 80 to 85% ऑफ टोटल आरएनए. एमआरएनए कितना होता है बेटा 5%, टीआरएनए 10 to 15%, एमआईआरएनए तो बहुत लिस्ट होता है लिस्ट. ओके, आंसर विल बी आरआरएनए. द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन, वेरी सिंपल क्वेश्चन. सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया था बेटा, ये किया था आपका किसने, मिजेलसन एंड स्टोल ने. और मटेरियल क्या काम में लिया था याद रखना बेटा, बैक्टीरिया. तो आंसर क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम किसमें दर्शाया था, बैक्टीरिया. ओके, और वो बैक्टीरिया भी कौन था बेटा, ईकोलाई. ओके, आंसर विल बी बैक्टीरिया. अगर वो बात करें यूकैरियोट की, ये तो बात किसकी कर गया बेटा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, कुछ नहीं बोला तो आपका आंसर क्या जाएगा, सिंगर सॉरी मिजेलसन एंड स्टोल बैक्टीरिया. अगर वो यूकैरियोट की बात करें तो फिर क्या होता है बेटा, प्लांट वीसिया फाबा, याद करो ब्रॉड बीन वीसिया फाबा. टेलर ने उसको क्या किया था, प्रूव किया था. लेकिन यहाँ क्या पूछा है, यह सेमी कंजर्वेटिव मोड का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था, मिजेलसन स्टोल इन बैक्टीरिया. सेलेक्ट द करेक्ट मैच, मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, सिंपल है. करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है, साइंटिस्ट के नाम है, कुछ मेथड्स दे रखे हैं. तो देखो बेटा मैथ्यू मिजेलसन, आगे क्या लिखा है, बाइसम सटाइवम एंड एफ स्टोल. मैचिंग बेटा गलत है, मिजेलसन जो है वो किससे रिलेटेड है, मिजेलसन ने अभी बताया था मैंने, मिजेलसन जो है उसने क्या किया था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, किसमें, बैक्टीरिया में. इसने देखो उसने बाइसम सटाइवम का कोई यूज नहीं किया, तो ये मैचिंग क्या होगी बेटा, गलत होगी. फ्रांसिस जेकब एंड मोनार्ड. ओके, ये देखो मोनार्ड है बेटा, यहाँ पर ये रह गया मोनार्ड. याद करो बेटा जेकब और मोनार्ड ने किसको प्रपोज किया था, लैकोपेरोन को. इंपॉर्टेंट है ये, लैकोपेरोन प्रपोज्ड बाय जेकब एंड मोनार्ड. लैकोपेरोन प्रपोज्ड बाय जेकब मोनार्ड, दैट इज द करेक्ट मैचिंग. आगे और देखो अल्फ्रेड हर्से एंड चेस. तो बेटा यहाँ देखो ये टीएमवी, अल्फ्रेड हर्से और चेस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या काम में लिया था बेटा, याद रखना उसने बैक्टीरियोफेज काम में लिया था. इसने क्या बोला, टीएमवी. तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट. एलेक जेफरीज जो है उसने क्या किया था बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसको टेक्निक को डेवलप किया था. इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है. ये एनसीईआरटी के साइंटिस्ट हैं सारे. तो आप सिंपल है क्वेश्चन, आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड. ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ एक सीक्वेंस दे रखा है आपको, देखो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं तो अप्रोच पे जाना. सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ जीन, ये जीन की कोडिंग स्ट्रैंड है. चलो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं पहले. ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 5' 3' 3' 5'. ये मैंने बोला कि ये कोडिंग है,
और ये बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो आप बताओ बेटा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कौन सी स्ट्रैंड को यूज करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए? वेरी गुड, टेम्पलेट। ठीक है, तो टेम्पलेट के डीएनए क्या बनेगा, आरएनए क्या बनेगा, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा, ये देखो, इस टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा जिसकी डायरेक्शन क्या है, 5' to 3'। अब बेटा कॉन्सेप्ट है, बताओ तुम, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है ये टेम्पलेट के तो क्या हो गया बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री। और जो कोडिंग है उसके क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो आप, न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड जस्ट सिमिलर टू द कोडिंग स्ट्रैंड। फर्क क्या होगा, बस आपका कोडिंग स्ट्रैंड में जो है वो टी होगा, थायमिन होगा, तो उसमें टी की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। क्लियर? चलो अब बताओ ये क्या बोला इसने, ये कोडिंग स्ट्रैंड का जीन जो है उसका सीक्वेंस है। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग जो आरएनए बना है, एमआरएनए बना है, उसका सीक्वेंस क्या होगा? तो मैंने बताया ये सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड है जस्ट क्या होगा उसका, सिमिलर कर दो, वो क्या हो जाएगा आपका एमआरएनए। तो इसके बिल्कुल सिमिलर को ना देख लो, बस टी की जगह क्या करना है, यू करना है, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है। तो इसका सीक्वेंस देख लो, ये होगा ए जी जी, दैट इज द आंसर। कॉन्सेप्ट बता दिया बेटा, और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, इससे कई क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ एन ऑपेरॉन एक्सेप्ट। ठीक है, ऑपेरॉन की चलो बात ही कर लो बेटा, जैसे लैक ऑपेरॉन था आपका, उस लैक ऑपेरॉन की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये आईएनआर है, इनिशिएशन रीजन, याद करो, यहाँ प्रमोटर था, ये ऑपरेटर है, यहाँ पर क्या थे बेटा, जेड वाई ए सीक्वेंस है ये, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स। एक और जीन है यहाँ पर बेटा, इसको बोलते हैं आई जीन, लैक आई जीन, जिसका ये प्रमोटर है। तो देख लो तुम्हारे सामने जो ऑपेरॉन है उसमें क्या है, उसमें प्रमोटर भी है, ऑपरेटर भी है, स्ट्रक्चरल जीन है, लेकिन यहाँ पर एनहेंसर नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, भाग कौन सा भाग नहीं है, एनहेंसर। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी द चेंज, नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग एमआरएनए। देखो बेटा, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, अगर किसी जीन में म्यूटेशन होता है, जैसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये ए है बेटा, ये जी सी ए टी ए यू जी, सॉरी टी जी सी, तो डिलीशन और इंसर्शन। ओके, अगर आपने कहीं पर भी एक बेस को ऐड कर दिया या एक बेस को वहां से डिलीट कर दिया, तो आगे की पूरी फ्रेम क्या होगी बेटा, चेंज होगी। दो को ऐड कर दो, दो को डिलीट कर दो, आगे की पूरी फ्रेम क्या हो जाएगी, चेंज। क्योंकि आप पता है बेटा, जेनेटिक को ट्रिपलेट में होते हैं, तो अगर एक या दो बेस ऐड और डिलीट करोगे आप, तो फ्रेम क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन आपने अगर एक साथ तीन बेस ऐड कर दिए, एक साथ तीन बेस आपने वहां से डिलीट कर दिए, तो आगे की फ्रेम सेम रहेगी, शिफ्टिंग नहीं होगी। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन है, और दे भी रखा है बेटा आपकी एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट। तो देखो इसमें इंसर्शन ऑफ ए एंड जी, ये क्या दिया, एक सीक्वेंस दे दिया उसने कि एक सीक्वेंस है, ये कोई एमआरएनए का सीक्वेंस है। तो कह रहा है कि पढ़ने के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कौन सी अवस्था में इसमें पढ़ने के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई भी कोडन जो है आगे चेंज नहीं होंगे। तो आपने अगर ए और जी फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे रेस्पेक्टली क्या किया है, इंसर्ट कर दिए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आगे की स्ट्रेंथ क्या होगी, आगे की चेंज जो है चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो नेचर है ट्रिपलेट कोडन की वो उसमें शिफ्टिंग आ जाएगी। सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ पोजीशन पर क्या कर दिया, डिलीशन कर दिया, तो आप देख लो, ये लो करके देखते हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको आप क्या कर दो, आप डिलीट कर दो यहाँ से। देखो बेटा, इनको एक साथ तीनों को डिलीट कर दोगे, तो देखो आगे कोडोन वही रहेंगे, जी सी यू ए यू यू, देर आर नो चेंज। लेकिन अगर आपने दो डिलीट कर दिए, तो ये शिफ्ट हो जाते, शिफ्टिंग होती तो कोडोन क्या हो जाते बेटा, चेंज हो जाते। तो कॉन्सेप्ट है, याद रखना, तीन बेस अगर आपने एक साथ डिलीट या ऐड कर दिए, तो आगे कोई भी कोडोन में शिफ्टिंग नहीं होगी। ओके, आंसर विल बी सेकेंड। मैच द फॉलोइंग जीन्स लैक ऑपेरॉन विद देयर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। अभी बताया था मैंने आपको, लैक ऑपेरॉन से अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना बेटा, ये वापस सुन लो, अभी मैंने आपको ये डायग्राम बना के बताया था, इसमें जो जीन है कौन सी है बेटा, जेड वाई और ए, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ लैक ऑपेरॉन, जेड जीन, वाई जीन एंड ए जीन। ओके, तो याद रखना बेटा, जो जेड है वो किसको कोड करती है, जेड कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई कोड्स फॉर परमिएज एंड ए कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, याद रखना बेटा आपको। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जाओ। देखो इधर
आई जीन दे रखी है, आई आई का बता देते हैं, यहाँ पर देखो ये आई आई जीन है, आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, ओके। ये सारे आपके सामने हैं और इजीली आप क्या कर सकते हो, मैच कर लो, ये देखो मैच करते हैं, आई जीन, ये रही आई जीन, ये क्या हो जाएगा रिप्रेसर, जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ए जीन ट्रांसएसिटाइलेज एंड वाई जीन क्या हो जाएगा बेटा परमिएज, और इसको आप क्या कर लो इजीली मैच कर लो, ओके। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए देखो, और बिल्कुल सिंपल है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बेटा आपका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बायोटेक और मॉलिक्यूलर के मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन ध्यान देना सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं बेटा, थ्रू आउट एनसीईआरटी जो है क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा आप मेहनत कीजिए, अगर आपका टारगेट नीट है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सारे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल डीपली क्लियरली और शार्पली स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी जो वही पंचलाइन है, आप संकल्पित रहें, CLC समर्पित है, ओके बेटा, थैंक यू।